पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया, माल तेरे दिया फिर पैनिया ने वंडिया, कफन दी चिट्टी जई सौगात नू पहचान ले। पता है इस कमाई चो कफन भी लभनी कि नहीं? मैं तो बड़े बड़े वेखे कपड़े दिया मिलां दुकाना दे मालक उन्होंने जान लग्या दो गज कपड़ा भी नहीं मिलिया, कफन च भी शक के कबर च भी शक के मौत बरहा के ये आनी आनी, कोई बंदा इस मौत तो नहीं बच सकता कि बच जाओगे? वो बोलो तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। वेखना मसला है वेखे औलाद नेक होएगी ना कुरान की हाफज कारी आलम तो नमाज के जरूर पढ़ेगी रब्बा नग फिरली वाली वाली दईया पढ़ते हो ना, पढ़िया करो। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ता ना तो माँ बाप फौत हो गया उसका जन्नत च एक दर्जा बुलंद कर देंगे ने अल्लाह, तो दर्जा किड्डा जिन्ना जमीन आसमान का खला है, एक दर्जा जन्नत का एडा है। तो जदों पढ़ता उदों ही दर्जा बुलंद, जदों पढ़ता फिर बंदा आंदा अल्लाह केड़ी को मेरी नेकी आ गई है जिद ना मेरे दर्जे वधते ही जा रहे हैं। फरमाया तेरा पुत्र नमाज पढ़ता ना तो नमाज चाहता रब्बा नग फिर ली वाली वाली दईया, वह जदों पढ़ता उदों ही तेरा दर्जा ही जन्नत च वधा देने, उन्हें पढ़द्या रहना तेरे दर्जे वधते रहने ने, ते जे पुत्र नमाज ही ना पढ़े तो अगले भी डिग पैने बोलते नहीं कुछ समझ आन डी जे कोई ना नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। ओए आज दे जलसे दा कम अज कम ये तो फायदा होना चाहिए है। इस मजमे चो एक बंदा ही नमाजी बन जाए समझो जलसे दा मुल पूरा हो गया, ते जे जलसे सुन के भी नमाजा ना पढ़िया मसीतां खाली रही फिर जलसे कराम दा की फायदा? फिर ते आए नारे मार के टुर गए, कुछ चस्का ले लिया कुछ स्वाद ले लिया, भी किहड़े मौलवी ने जोर बहुता लाया, बोलते नहीं, यही वेखना ना। लेकिन बेनमाज बंदा जिहड़ा ये जदों क्यामत नूं उठेगा आना करके मैदाने महशर च लोग जमा होणगे, पूरी कायनात जमा होएगी, अल्लाह अपनी पिंडरी नंगी करनगे। यौम युक्षफु अन साकिम व युदऊना इलस सजूदी फला यस्ततियून, अल्लाह अपनी पिंडली नंगी करनगे जेड़े नमाजी होणगे मैदाने महशर च सजदे च डिग पैणगे। आ जे बेनमाज ने इन्हों कमर सरिए फिट हो जाए, इन्ह आकड़िया रहना इन्हें सजदा नहीं कर सकना। कबर की बड़ी तंग कोठरी है, कई बंद ने क्यामत कबर चो उठना करना फूकने ना करना, फरिश्ते ने इस तरह वो करना सामने रखी तो वह कन रहमान आले वो ही इबादत है वो ही नमाज है। अल्लाह ने आर्डर करना इन्हें फूक मार देनी है, यदि फूक च इनिया ताकत होनिया ने आसमान टुट जाएगा, समुद्र के पानी अग भर जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। फैजा क्या मुन जरून, फिर दूजी सूर फूकेगा दूसरी फूक 40 दिन तो बाद या 40 साल तो बाद। आका फरमाते ने दी करना च उन्हें सुराख ने जिन्हें क्यामत तक इंसान नहीं होने उन्हें सुराख ने, जो इन्हें दूजी फूक मारनी है ना बंदियां दियां रूहां उस करना चो निकलणगियां। ऐ जिहड़ी हड्डी है ना तेरी मेरी रीढ़ दी, इहनू मिट्टी नहीं खांदी, इहनू अजबू जंब कहा जांदा है, इह मिट्टी च महफूज रहिंदी है, बाकी सारा जिसम मिट्टी खा गई लेकिन तेरी रीढ़ दी हड्डी नहीं खांदी। क्यों? रीढ़ दी हड्डी दे उत्ते जदों उहने फूक मारनी है ना अल्लाह ने रीढ़ दियां हड्डियां दे उत्ते पूरा ढांचा बना के रूप फेंक के तू कबरां दे विचों बंदे इवें बाहर आउणगे जिवें जमीन चो अंगूरियां नहीं बाहर आउंदियां, इस तरह कबरां चो बंदे बाहर आउणगे। कई बंदे निकलणगे कहणगे कालू या वैलना मंबा सना मिमर कादीना हाजा मावादर रहमानू व सदकल मुरसलून, असी ते अपनियां आराम गावां च सुते सां सानू किन्ने जगा छड़े। कई बंदे कबरां चो उठणगे इन्हां दे मूंह सूर दे होणगे, पिछों जिहड़ा ताड़े पूरा इंसान दा होएगा,
अल्लाह इन्हां दे मूंह सूर दे क्यों ने फरमाया इन्हां दुनिया दे अंदर कुरान दी कोई गल नहीं सी मन्नी। कुरान कहिंदा सी नमाज पढ़े को नहीं सी पढ़दा, कुरान कहिंदा सी ज़कात दे को नहीं सी देंदा, कुरान कहिंदा सी मां बाप दियां ना फरमानियां ना कर, ये मां बाप नूं गालां करदा सी, कुरान कहिंदा सी यतीमां दा हक ना मार, ये यतीमां दा हक मारदा सी, कुरान कहिंदा सी ज़कात दिया कर कोई नहीं सी देंदा, कुरान कहिंदा सी सूदी कारोबार ना कर सूद लैंदा भी देंदा सी। इस वास्ते ने कुरान दी नहीं मन्नी, अज इन्हां दे मूंह सूरां दे बन गए ने। आका फरमांदे ने कई बंदे कबरां चो कियामत नूं बाहर आउणगे, उन्हां दियां शकलां बांदरां दियां होणगियां, बांदरां दियां होणगियां, उन्हां दा पूरा जिस्म जिहड़ा पिछों इंसान वाला होएगा लेकिन मूंह बांदर वाला होएगा। सहाबां दे ने महबूब जी उन्हां दे मूंह बांदरां दे क्यों होणगे, इन्हां किहड़े गुनाह कीते होणगे? फरमाया मेरी उम्मत दे चुगलखोर ने बांदर भी शरारती जानवर है, चुगलखोर भी शरारती है, दी चुगली चुके ओदे अगे लांदा, दूसरे दी चुगली चुके दूसरे अगे लांदा, ये लोकां नूं आपस च लड़ांदा। जिहड़े चुगलखोर ने ओह कियामत नूं जन्नत च नहीं जाणगे, इन्हां दे मूंह बांदरां दे बन जाणगे। कई बंदे कबरां चो बाहर आउणगे, फरिश्ते इन्हां दे मूंह खोल के विच जहन्नम दे अग दे अंगारे पांदे होणगे। अल्लाह जी ये कौन लोग ने? फरमाया महबूब जी ये तेरी उम्मत दे ओ लोग ने जिहड़े दुनिया च यतीमां दा माल खांदे सन। खांदे ने कि नहीं? भतीजे यतीम हो गए, चाचा सारा कुछ ही हरम कर गया। कई मिसालां ने तुहाडे सामने, हिस्सा नहीं देंदा। नबी पाक ने कुरान ने कहा जिहड़ा यतीम दा माल खांदा जहन्नम दी अग अपने पेट च भर रहा है, जहन्नम दी अग। इन्हां यतीमां नाल प्यार करिया कर, क्योंकि मेरे तेरे महबूब भी यतीम सन। आका फरमांदे ने यतीमां दे सिर ते हाथ फेरिया कर, जिन्ने वाल आउणगे अल्लाह तेनू उन्नियां नेकियां अता कर देणगे। जग्गा ने पीर फरमांदे ने अना वा काफिलुल यतीम, जिहड़ा बंदा यतीम दी परवरिश करदा मैं ते उह जन्नत च एवें होवांगे जिवें आ दो उंगलां ने। मेरे पैगंबर को एक बंदा आउंदा आण के आंदा महबूब जी मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैनू कोई अमल दस दिओ मेरा दिल नरम हो जाए। आका फरमांदे ने इम सहारा सल यतीम, यतीम दे सिर ते प्यार करिया दिया कर ते मस्कीन नू खाना खिलाया कर, अल्लाह तेरा दिल नरम कर देणगे। कई बंदे कबरां चो बाहर आउणगे, उन्हां दियां लत्तां तां ते सिर ठां, इस सिर दे बल चल के रब दी अदालत च जाणगे। सहाबां दे ने महबूब जी इस सिर दे बल किवें चलणगे? फरमाया जिहड़े रब ने इन्हां नूं पैरां दे बल चलाया उह सिर दे बल वी चलाण ते कादर है। हाँ फरमाया इन्हां दा गुनाह की होएगा? आका फरमांदे ने जिन्हां दियां लत्तां तां ते सिर ठां होएगा ये मेरी उम्मत दे सूद खोर होणगे। आ जिहड़े सूदी कारोबार नहीं करदे, सूद लैंदे ते देंदे रहे, सब तो हल्का गुनाह है सूद दा। जिहड़ा बंदा सूद दा एक रुपया खांदा वह 36 दफा अपनी मां नाल बदकारी करदा। कहीं इहनूं बतौरे सवाब समझने आ, कई बंदियां दी रोटी सूद है, उहनां दे दिल च रहम ही कोई नहीं।